हुकूमत चलती है थारी यहाँ। किंग है तू चौकी का? Well, mom, I'm sorry. Is the truck, car, and lorry is the वो जी मैं लप्पी को इम्प्रेस कर रहा था जी। अच्छा भैया, और अभी ये जो सेम डायलॉग आपने थोड़ी देर पहले कुकी खरबंदा जी को भी बोले, और उसके पहले गुल्ली गुलाटी जी को। चुप करना यार, चुप कर। तू चुप कर। मैंने थारे से ज्यादा घटिया निकम्मा नाकारा थर्ड ग्रेड आदमी आज तक अपनी लाइफ में ना देखा है। सिर्फ अखबार पढ़ने और अपनी आंटियों के संग टाइम पास करने के अलावा थारे पास और कोई काम ना है। चौकी का बिजली का बिल जमा करने कही थी, कर आया? ओ, मैं भरने जा रहा था जी, रास्ते में मेरा स्कूटर पंचर हो गया जी। हाय स्कूटर नहीं भैया, स्कूटर का टायर पंचर हो गया। तू चुप कर, चुप कर, चुप कर। कमिश्नर साहब के दफ्तर से एक फाइल लाने कही थी, दिखा ले आया? मैं लेने जा रहा था जी, रास्ते में ना घर से फोन आ गया जी, भी मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई जी। चिटपुटियागंज में जो लूट हुई है तो उसके चश्मदीदों का बयान लाने की ड्यूटी थारी लगाई थी ना, ला ले आया बयान? दिखा फाइल दिखा। मैं जी जा रहा था रास्ते में ना, एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई जी, फिर मैं सोचा ये तो अपशगुन हो गया जी, फिर मैं आ गया जी वापस। बिल्ली ने भी आपको देख के यही सोचा होगा भैया। चुप कर, चुप कर। ओके जी, मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं ना जी, इसलिए इन चीजों में बिलीव करता हूँ जी मैं। काम के टाइम पर सिर्फ बहाने बहाने बहाने, एक काम ना होता थारे से गोपी, एक काम ना होता। बहुत बनता जा रहा है तू इस चौकी पे, कानून पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे और मारे पे। कैसा देखो बेटा, मैं बेशरम कितना आदमी है, बिल्कुल एक जरा सी भी इसको शरम ना है, इतनी बेइज्जती हो रही इसकी, इतनी डांट खा रहा, और एक ना इतना वृद्धावस्था में चल रहा है, इसे पीट भी ना सकती मैं, या खड़े खड़े आंखें मल रहा है ना, उसकी ना मलेगा। जो आदमी रात में बैठ के बस टिका के अपना टीवी के आगे मेंढक की तरह चिपक के आंखें घड़ा के सारी रात टीवी देखता हो ना, उसकी आंखें चौकी में ना डबडबाएंगी तो मारी डबडबाएंगी। वैसे भैया आप ऐसा क्या देखते हैं टीवी पे जो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है? तू इधर आ जा रहा, इधर आइयो। ओ बिल्लू। यस। तू यहाँ एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कतई दो दो मिनट में घुस घुस के एंट्री मार रहा है अनवांटेड। चुपचाप खड़ा रहे वरना ये जो फूले हुए गाल है ना, थपड़ा थपड़ा के लाल कर दूंगी टमाटर की तरह से। दो पढ़े लिखे बंदे बात कर रहे हैं। चुप रहे। तमीज, वाइला वाइला, जरा से भी तमीज ना है, बेशरम। गोपीनाथ गंडोत्रा, आज के बाद तैने अगर किसी काम के लिए कोई बहाना बनाया तो मैं अपने हाथों से खुशी खुशी थारा रेजिग्नेशन लिखूंगी। ओ ना ना ना। सलाम करता हूँ भैया मैं आपको, मतलब इतनी बेइज्जती करवाने के बाद में भी आपके माथे पे एक हल्की सी शिकन तक नहीं आती है। हैट्स ऑफ टू यू भैया। थैंक्स ब्रो। एक तू ही है इस चौकी में यार जो मेरी वैल्यू समझता है, वरना मॉम तो यही समझती है मैं बहानेबाज हूँ। वो तो आप हैं। वाइल यार, आंखों के आगे धुंधला धुंधला सा आ रहा है, क्या हो गया? जरा पानी के छींटे मार लेता हूँ। भैया मेरा ना दिल कह रहा है कि इस साल मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर बन जाएगी, आपका दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल भी यही कह रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। यार तू मुझे थैंक यू कह रहे हो? क्योंकि आपका दिल भी यही कह रहा है ना कि मेरी इस साल कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी इस साल गर्लफ्रेंड बन जाएगी कोई ना कोई।
ये आपकी तो ऑलरेडी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है। अरे बिल्लू, ये रास्ते में तो गुफा थी नहीं, कोई ये गुफा कहाँ से आ गई? ओए होए 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 होए। गुफा? गुफा कहाँ है भैया? प्लेन तो सड़क है एकदम। यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। दिखाई नहीं दे रहा का क्या मतलब है भैया? वो ट्रक आ रहा है सामने, देखो ट्रक आ रहा है। गोलू सनी, बाहर बहुत बड़ी हीरोइन आई है। क्या हीरोइन? अरे चल जाएगा। ओ बिल्लू, आइए भाई। जितनी सीढ़ी है नहीं। सॉरी भैया, सॉरी, आई गलती से निकल गया, खामखा झाड़ दिया आपको। आइए बैठिए भैया, ऊपर ऊपर बैठो। आज तक मैंने लोगों को रतौंधी होते हुए सुना था, जिसमें सूरज डूबने के बाद इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन पहली बार किसी को दिनौंधी होते हुए सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं। यार बिल्लू, ये मेरे साथ ही क्यों होना था यार? ये सब कर्मों का फल होता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कहने का मतलब है मैंने बुरे कर्म किए हैं? हाँ। वेल, घबराइए मत ना भैया, डॉक्टर साहब ने कहा तो है कि दिनौंधी एक तरह का इन्फेक्शन है, बस 3-4 दिन में खुद ब खुद चला जाएगा। बस ये है कि आपको जो है सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। लेकिन बिल्लू, दिन में तो मुझे चौकी में आना पड़ता है यार, मम्मी जी मुझे काम सौंपती हैं। हाँ तो मैडम को बता देंगे ना कि आपको दिनौंधी हुई है? ना 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 ना, मम्मी जी को नहीं बताना यार, अगर उनको बता दिया वो तो यही सोचेंगी ना मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ और वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। लेकिन भैया आप बहाना कहाँ मार रहे हैं, आप तो सच कह रहे हैं ना। पर ब्रो, उनको तो यही लगेगा ना मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ। मम्मी जी के आने का टाइम हो गया यार। पर बिल्लू मेरे प्रा, अब मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत और नौकरी तीनों तेरे हवाले है यार। ठीक है भैया, मैं कुछ करता हूँ। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता ना कोई वार से। एक काम कीजिए भैया, आप घूम जाइए। सॉरी भैया, सॉरी, इस तरफ से इधर, आप ऐसे घूम के इधर मुंह करके बैठिए और मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ इधर मुंह करके। अब जैसे ही मैडम आएंगी ना, मैं जोर से बोलूंगा गुड मॉर्निंग मैडम, तो आप समझ जाना कि मैडम आ गई है। आप भी उनको गुड मॉर्निंग बोल देना, वरना मैडम को शक हो जाएगा। ठीक है भैया? ठीक। मैडम आ गई भैया। आ गई, आ गई, आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ओहो क्या बात है, आज तो घने हर्ष और उल्लास से हो रही गुड मॉर्निंग। इसने क्या हो गया? वो मैडम, भैया पश्चाताप की आग में जल रहे हैं मैडम, कि इन्होंने आपसे इतने बहाने बनाए, आपको इतना झूठ बोला, तो ये आपको अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते, इसलिए आपकी तरफ पीठ कर कर खड़े हैं। क्या कह रहा है ओ गोपी? हुई 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 हुई। पश्चाताप हो रहा था ने? ओह ओह यस यस यस। चलो भाई, अगर पश्चाताप हो रहा तो मन ने खुशी है। चल मैं तने माफ करा जा। अब मुड़ सकते हैं भैया आप, मैडम ने आपको माफ कर दिया है। कोई नहीं, अरे के समझाए, मैं कोई जल्ला दूंगे हैं? कोई बात नहीं, भूल जाओ। चल सुन गोपी, मन ने वो चिटपुटियागंज वाली फाइल ला के दे। चल ला के दे। वाइब्रेटर फोन। चाचा? हाँ चाचा, चाचा चाचा आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाचा हेलो,
हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा चाचा, नेटवर्क में आइए चाचा चाचा चाचा। हाँ अभी आई आवाज। हाँ मशीन लगाइए ना अपनी। हाँ मशीन लगाइए, अब आ रहा है, सुनाई आ रहा है प्रॉपर। हाँ एक काम कीजिए, अच्छा अभी कहाँ खड़े हैं आप, राम टैलू की दुकान पे? हाँ ठीक है ठीक है, वहां से आप हल्का अपने दाएं में मुड़िए। हाँ हाँ बस 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 चाचा। हाँ अब जरा सीधे 5-6 कदम चलिए जरा। हाँ बिल्कुल सीधे। हाँ चलिए 2-3-4-5 एक और 6 हाँ एक और 7 हाँ एक और। हाँ बस बस बस। अरे यार इतना जोर से। बस चाचा। हाँ नीचे नीचे देखो, नीचे वहाँ एक नीले कलर का गटर का ढक्कन, नीचे देखो ना चाचा। हाँ पड़ा है ना नीले कलर का ढक्कन गटर का। हाँ इसलिए मना कर रहा था, वो खुला रहता है हमेशा। हाँ उसको उठा लीजिए ढक्कन को। हाँ उठा लीजिए ठीक है। हाँ अब लेफ्ट लेफ्ट बाएं बाएं मुड़ जाइए, बाएं मुड़ जाइए। हाँ सीधे सीधे आइए, सीधे आइए एकदम। हाँ गटर में नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, सीधे। हाँ सीधे आना है, सीधे आइए सीधे आइए सीधे। हाँ हाँ सीधे आइए 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 आइए। हाँ हाँ बस 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 रुक जाइए। हाँ ठीक है बस पहुँच गए। हाँ पहुँच गया। हाँ यार थारे से एक फाइल लाने कही थी, इतनी इतनी देर हो गई। हाँ हेलो हेलो ना काम हो गया तो। अरे बालको मैं जरा चिटपुटियागंज होके आ रही हूँ, मन्ने झोल दिखे इन गवाहों के बयान में है। ड्राइवर बन जा, बढ़िया नेविगेशन थारी। थैंक यू मैडम थैंक यू। देखा भैया देखा भैया कैसे बचा लिया मैंने आपको, अगली बार के लिए भी चाचा आप ही हैं, अब बार बार नहीं बताऊंगा। थैंक्स ब्रो थैंक्स। बस यार ये 2-4 दिन का जो दिनोदी का इन्फेक्शन हमें ठीक हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चिंता मत कीजिए भैया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। ये आपने मुझे जीजू की जगह कमिश्नर साहब कब से कहना शुरू कर दिया? अब मैं सुधर गया हूँ जीजू। सुधर गए हैं ये। वैसे बिगड़े कब थे? हाँ जय हिंद सर। जय हिंद सर। बताइए कैसे आना हुआ? मिस चौटाला मैं कुछ बताने आया। हाँ प्लीज सर प्लीज बता दीजिए। मैं ये बताने आया हूं कि हर पुलिस चौकी के अंदर जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हैं सबकी आई साइट चेक की जा रही है, और इस काम को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर आ रहा है जो अप्रोक्सीमेटली 135 कमजोर नजर वाले पुलिस वालों को नौकरी से निकाल चुका है। बेहतर है सर, बढ़िया है। वैसे भी कमजोर आईसाइट वालों का पुलिस डिपार्टमेंट में क्या काम? यही उस ऑफिसर का भी मानना है। वैसे वो बहुत ही तेज तरार और खड़ूस किस्म का ऑफिसर है। ठीक है सर बढ़िया है सर, आप निश्चिंत रहिए। वैसे हम में से तो सबकी आईसाइट काफी जो है एकदम पेनी चल रही, मतलब शार्प है। बिल्लू तो खैर है ही बिलौटा है ना, रात में भी एकदम ब्राइट चमकती। गोपी को तो वैसे ही मैं चमर गिद्ध ऐसी हल्के में तो कहती ना, इसका एक रेलिवेंस है क्योंकि गिद्ध जैसी इसकी नजरें हैं। और मैं तो सर मतलब एयरप्लेन अगर जा रहा ऊपर से तो मैं देख के बता दूं कि कहाँ जा रही फ्लाइट। गुड गुड। हम सबकी बढ़िया है एकदम है, क्यों गोपी? या, या। सर हम करवा लेंगे अपनी आईसाइट टेस्ट, ये बताइए कि अफसर कब आ रहे हैं? कल दिन में किसी वक्त भी आ जाएंगे। बेहतर है सर, उनके वेलकम के लिए हम आंखें बिछा के बैठे रहेंगे। पन इंटेंडेड सर। कितना बजा है? 6:02 बाकी है भैया। वेल ब्रो अब मुझे क्या करना चाहिए? पंजाब मेल का टिकट कटा के पंजाब अपने गांव नाभा चले जाना चाहिए। वेल और नहीं तो क्या भैया,
आपकी नौकरी तो कल वैसे भी जाने वाली है, तो आप यहाँ रह के क्या करेंगे? वेल बिल्लू, मैं आप लोगों के बिना नहीं सकता हूँ जी इसदा। मैं खाता हूँ देसी घी इसदा। घी तो आपका वो ऑफिसर निकालेगा भैया कल, और आपकी इज्जत के पराठे सेकेगा उसी घी में, क्योंकि कल वो यहाँ आपकी आई साइट का टेस्ट लेने आ रहे हैं। उस आई का टेस्ट जिसमें सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक कोई साइट नहीं होती। कितना बदनसीब हूँ मैं। वो अफसर भी तब आ रहा है जब मुझे 2-4 दिन के लिए धनौती हुई है, और शाम के 6 बजे से पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई देने लगा बिल्लू, तू ये रहा बिल्लू। हाँ तो 6 बज गए ना भैया। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मैडम को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि आपको दिनौंदी हुई है और शाम को 6 बजे से पहले आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। ना बिल्लू ना, ये नहीं हो सकता यार। मॉम को तो यही लगेगा ना मैं बहाना लगा रहा हूँ। इतना ही भरोसा है हमारे पे? मॉम, तेरे बीमारी है? वो भी ऐसी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तेरे कुछ दिखाई ना देता दिन में। इतनी बड़ी बात हो गई और तेरे मन ने बताया नहीं, मारे डर के मारे। आर यू मैड? वो तो अच्छा है मैंने सुन लिया, वरना वो आता इंस्पेक्शन करने, आंखों का टेस्ट लेता और फेल कर देता और नौकरी से निकाल देता तेने। वो तो अब भी होगा ना मैडम? ना, अब ना होगा, क्योंकि मारे जिंदा रहते गोपी को कोई नौकरी से ना निकाल सके। लेकिन मॉम, ये सब होगा कैसे? वही तो देखना है कि होगा कैसे और होगा के। भैया टाइम क्या हुआ? पांच बज गए मैडम, अभी तक तो वो ऑफिसर आए नहीं है। वेल, लगता है उसका आना हो गया है कैंसिल इज द। हसीना है अगर शॉपनर है तो मैं हूं पेंसिल इज द। है भैया, अगर ऐसा हो गया है तो प्रसाद लेके नियरेस्ट मंदिर में चढ़ा दे। बहुत अच्छे कर्म किए हैं तेने जो अगर वो नहीं आ रहा है, वरना बेटा आज तो बंटा धार होना है थारा। लेकिन मैडम आपने तो कहा था कि आप भैया की नौकरी नहीं जाने देंगे। अरे कहने से क्या हो बे? अरे हाँ, मारे दिमाग में मारे ही एक आइडिया आ रहा है। अरे गोपी, क्यों ना मैं थारी नाइट ड्यूटी लगा दूँ? नहीं मतलब सुबह 6 से शाम 6 के बीच का ही तो है ना थारा प्रॉब्लम, जब तेने दिखता ना है। शाम के 6 बजे के बाद तो सही है मामला, है ना? तो नाइट ड्यूटी लगा देती हूँ, तब अगर वो आ गया ऑफिसर तो सही है। और वैसे भी अभी तो 5 बज गए हैं, अब अगर थोड़ी देर में आ गया तो बातों बातों में उलझा देंगे और 6 बजा देंगे तब तक। थैंक्स मॉम। अरे थोड़ा राइट 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 ले राइट ले राइट और आन दे आन दे आन दे आन दे आन दे स्लो 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 धीरे रोक 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 बस 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 बस। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, मैं हूं इंस्पेक्टर मनहर गड़िया। मेरी आई साइट है बहुत बढ़िया। शबाना बेवफा है। वेलकम सर, वेलकम टू ईमान चौकी। मैं हूं यहाँ की इंस्पेक्टर इंचार्ज चंद्रमुखी चौटाला। शबाना बेवफा है। सर, हु इज शबाना? शबाना मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे, और उसके बाद उसने उस बेवकूफ गधे से शादी कर ली। अरे जब गधे से ही शादी करनी थी तो क्या मैं बुरा था? वाव! थैंक यू सर, आपने आते ही अपने पत्ते खोल दिए। बहरहाल सर, यो है बिल्लू भुलक्कड़।
ओ बिल्लू, जिसे भूलने की बीमारी है। शबाना बेवफा है। अब नहीं है सर, अब नहीं है। वो पहले थी सर, अब मैंने अपना इलाज करवा लिया है, अब मैं नहीं भूलता हूँ। अब तो डॉक्टर ने बस ये बोला है कि हल्की गुंजाइश है, अगर साल दो साल में कभी एक। सुनिए, इधर आइए, सुनिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बिल्कुल आपके। जब देखो तब आपको बस ड्यूटी 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 की पड़ी रहती है, ये नहीं कि घर में इतनी हसीन एक ब्यूटी पड़ी रहती है उसके बारे में भी कुछ सोच ले। सुनिए ना, उस अल्लू की नई फिल्म आई है, मुझे लेके चलिए ना प्लीज, नारायण टॉकीज में लगी है, लेके चलिए ना प्लीज। फिर वहां से चुन्नू चाट वाले के यहाँ से मुझे ना आप एक की खाना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं अरे ये इसे इस तरह से क्यों लेके जा रहा है?